मेरा मानना यह है कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आज जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करे तो वो जो है वो जीत सकेगा, अगर बैटिंग करेगा तो उसका भी हाल वही अफगानिस्तान वाला होगा, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो इंडिया हो। आपकी क्या राय है, अपनी राय से आगाह करें। इंडिया और इंग्लैंड के मैच में आज जो टॉस जीतेगा, टॉस जीतने के बाद जो पहले बॉलिंग करेगा वो मेरे हिसाब से जीतेगा, क्योंकि जो बॉलिंग करेगा उसको अंदाज़ा होगा कि यार बैटिंग पैच है नहीं है, क्योंकि देखिए बॉलिंग तो हो ही जाती है, असल है बैटिंग का मामला। अगर बैटर्स आपके अच्छे चल गए तो आपको मैच विनिंग वाला मामला हो जाता है। आज जो अफगानिस्तान ने गलती की कि टॉस जीत के बैटिंग की, उन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि हर बार आपको बॉलर जिता के नहीं देंगे। और आज का दिन जो है वो है बैट्समैनों का, क्योंकि मेरा तजिया ये कहता है कि आपको फाइनल भी आपके बैट्समैन जिता के देंगे और आपके सेमीफाइनल भी आपको बैट्समैन जिता के देंगे। तो अगर आज इंडिया टॉस जीतता है और बैटिंग करता है तो इंडिया हार जाएगा, और इंडिया टॉस जीतता है और बॉलिंग करता है तो इंडिया जीत जाएगा। इसी तरह इंग्लैंड टॉस जीतता है और बैटिंग करता है तो हार जाएगा, और इसी तरह इंग्लैंड टॉस जीतता है और बॉलिंग करता है तो जीत जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है जो कि मैं एक अपने तजिए के हिसाब से दे रहा हूँ, मैं कोई क्रिकेट एनालाइजर नहीं हूँ, मगर एक आपको कहते हैं ना कि कीपर सिक्स सेंस होती है, तो मेरी सिक्स सेंस यही कह रही है। तो आप बताएं कि आपका क्या तरीके, आप क्या समझते हैं कि कौन जीतेगा, किसको पहली बॉलिंग करनी चाहिए, किसको बैटिंग करनी चाहिए, पहली बॉलिंग करने वाला जीतेगा या पहली बैटिंग करने वाला जीतेगा, ये मुझे बताएं। और ज़रूरी नहीं कि टॉस कोई भी जीते, टॉस हार के भी अगर आपको बॉलिंग मिलती है तो आप जीत जाएंगे, और टॉस जीत के भी आपको बैटिंग मिलती है तो आप हार जाएंगे। ये आज जो अफगानिस्तान टीम के साथ हुआ है, ये सेम चीज़ अगर इंग्लैंड और इंडिया की टीम के साथ हुआ कि आपने टॉस जीता और बैटिंग कर ली तो आप जो है हार जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और होपफुली कि साउथ अफ्रीका का मैच टाकरा जो है वो इंडिया से हो, मगर अगर इंडिया से होता है या फिर इंग्लैंड से होता है, दोनों सूरतों में मेरी प्रेडिक्शन है कि साउथ अफ्रीका आज जीतेगी। और जो साउथ अफ्रीका है उसका एक अलग जो मोरल है वो हाई हुआ है, कि जिस हिसाब से वो एक्साइटेड करके उन्होंने अफगानिस्तान टीम को मारा है, जिसने पूरी हाइप क्रिएट की हुई थी पूरी वर्ल्ड कप में, तो चाहे बैटर्स हों उनके चाहे बॉलर्स हों, तो मुझे लगता है कि अब जो भी टीम आएगी उसको इजीली हरा देगी साउथ अफ्रीका टीम। तो होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि ये मैच जो आज इंडिया और इंग्लैंड का होगा वो एक्साइटेड नहीं होगा, अच्छा गेम होगा। और जो अफगानिस्तान और आज मैच हुआ साउथ अफ्रीका वन साइडेड था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और जो बेचारे इतना पैसा दे के इतना टैक्स दे के जो वहाँ मैच देखने गए होंगे तो उनके तो पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि मैच बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, वन साइडेड था, समझे कि एक इनिंग में ही ख़त्म हो गया, एक इनिंग में ऐसे कि 10 ओवर उन्होंने पूरे नहीं खेले और उन्होंने 10 ओवर के अंदर बना लिया, तो टोटल 20 ओवर खेले गए, 40 ओवर का मैच था, 20 ओवर में ही आपका जो है वो टाइम भी कम हो गया और मैच भी ख़त्म हो गया। तो जो बेचारे 40 ओवर के पैसे दिए गए थे वो 19 ओवर उनको देखना मिला, और वो भी वन साइडेड। तो ये है कि उम्मीद है कि इंडिया और जो साउथ इंग्लैंड का जो मैच है वो अच्छा होगा, और होपफुली कि इंडिया और इंग्लैंड में से जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, अगर जो पहले बॉलिंग करेगा मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक वो जीतेगा, और जो पहले बैटिंग करेगा वो हारेगा। और दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि जो भी फाइनल में आएगा चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो, वो फाइनल में हारने के लिए आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम का इतना मोरल आएंगे अफगानिस्तान टीम को मारने के बाद कि इसके सामने कोई भी आ जाए तो ये वर्ल्ड कप T20 साउथ अफ्रीका जीतेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, और पहली बार T20 वर्ल्ड कप में का सेमीफाइनल जीत के साउथ अफ्रीका आई है, मैंने हर बार ये हुआ कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में हारी है, हमेशा हारी है, फाइनल में नहीं आ पाई। इस बार फाइनल में आने का मकसद है कि चाहे इंग्लैंड आ जाए चाहे इंडिया आ जाए, साउथ अफ्रीका टीम ये T20 वर्ल्ड कप लेके अपने घर जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आप क्या समझते हैं, अपनी राय से